जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, या फिर हम शॉर्ट में इसे कह सकते हैं ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना। हर बार एग्जाम में 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो ऑप्शनल में या फिर डायरेक्टली, लेकिन हर बार ऑलमोस्ट देखा गया है कि ये 20 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो अब बात करें हमारे टॉपिक की, तो टॉपिक है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये अगर जूलॉजिकल वर्ड हटा के समझे तो हम क्या समझेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। एक एक करके इन वर्ड को हम जब समझेंगे, नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो हो गया नोमन और दूसरा क्लेचर। नोमन क्लेचर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, नोमन और क्लेचर। नोमन का मतलब है यहाँ पे नेम, और क्लेचर का मतलब है यहाँ पे टू कॉल, यानी पुकारना, नाम, या फिर हम कह सकते हैं नामकरण, किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करना, यानी उसे कोई नाम देना, उसे किस नाम से हम पुकारते हैं उसे कहेंगे हम नोमेनक्लेचर। अब बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल कोड की, तो इंटरनेशनल कोड का यहाँ पे नोमेनक्लेचर से क्या रिलेशन है, इस पूरे एक सेंटेंस का क्या मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर का। यहाँ इंटरनेशनल कोड से मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जिसका हम नामकरण कर रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऐसे कोड देना या फिर ऐसे कोड के तहत उनको नाम देना जिस नाम से उन्हें इंटरनेशनली जाना जाए, पूरे यूनिवर्स में जिसे उसी नाम से जाना जाए, सेम नाम से, जो नाम किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में चेंज नहीं हो सके। किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ऐसा नोमेनक्लेचर करना, ऐसे कोड देकर नोमेनक्लेचर करना जिस नाम से उसे पूरे इंटरनेशनली, पूरे यूनिवर्स में जाना जाए, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज पाई जाती है हर कंट्री में, हर कम्युनिटी में, हर लोकल कम्युनिटी में, हर स्टेट में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, और हर स्पीसीज का हर कंट्री में, हर स्टेट में डिफरेंट नाम है। लेकिन इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के तहत उन स्पीसीज को, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऐसा नाम देना जिस नाम से चाहे वो किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, या फिर वो कहीं भी प्रेजेंट हो, उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, हमने तुलसी प्लांट का एग्जांपल लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में तुलसी प्लांट के एग्जांपल के में बताया था कि तुलसी एक होली प्लांट है। इंडिया में तो उसे होली प्लांट के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब हम अदर कंट्री में जाएंगे और हम तुलसी के बारे में जब रिसर्च करेंगे, या फिर इसके बारे में जब हमें पता करना हो, तो अगर हम वहाँ तुलसी बोलेंगे या होली प्लांट बोलेंगे तो वो वहाँ पे नहीं समझ सकते। इसलिए इंटरनेशनल कोड के तहत किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, किसी पर्टिकुलर प्लांट को, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को ऐसे नाम दिए गए हैं जिस नाम से उसे पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली जाना जा सके। अब इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के तहत हम तीन चीजों में नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ICZN, सेकंड आता है हमारा ICBN, और एक है हमारा ICN। ICZN की बात करें तो हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जेड यानी यहां पे क्या है, जूलॉजिकल, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी एनिमल का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके अंदर हम ICZN के अंतर्गत उसे हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की बात करें तो बी स्टैंड फॉर बोटेनिकल, यानी किसी प्लांट स्पीसीज की जब हम बात करेंगे, किसी प्लांट स्पीसीज के का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसे हम ICBN के अंडर डिस्कस करेंगे। लास्ट आता है हमारा ICN, इसमें हम बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ
बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और ICN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई नोमेनक्लेचर। आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे हम द एम्स ऑफ ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के क्या क्या एम्स थे। तो ICZN की एम्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट है स्टेबिलिटी, सेकंड है यूनिवर्सलिटी एंड थर्ड है यूनिकनेस। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? स्टेबिलिटी का मतलब है इफ़ वंस प्रोवाइडेड बाय द जूलॉजिकल नेम कैन नॉट बी अनचेंज्ड एट एनी टाइम। किसी साइंटिस्ट द्वारा जब किसी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया गया तो वो नोमेनक्लेचर ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी स्टेज में, किसी भी लाइफ के स्टेज में वो नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार प्रोवाइड कर दिया गया किसी ऑर्गेनिज्म को जूलॉजिकल नाम से तो वो नाम चेंज नहीं होगा, उस नेम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। सेकेंड बात है हमारी यूनिवर्सलिटी की। तो यूनिवर्सलिटी की बात करें तो इंटरनेशनल कोड के बारे में बताया था कि द नेम शुड बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, कि जो नाम दिया गया है, जो नोमेनक्लेचर किया गया है, उसको स्टेबिलिटी के साथ साथ कि वो चेंज नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी के साथ यूनिवर्सलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में उस नाम को एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड है यूनिकनेस। यूनिकनेस की बात करें तो नेम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी, कि जो एक नाम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का है तो वो नाम हम किसी दूसरे स्पीसीज को नहीं देंगे जूलॉजी के फील्ड में। हाँ, प्लांट स्पीसीज ऐसे कई नाम है जो प्लांट के और एनिमल के सेम है, लेकिन जूलॉजी की फील्ड की अगर बात करें, इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी नेम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की फील्ड में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जब नोमेनक्लेचर किया जा रहा है तो किसी दो स्पीसीज का सेम नाम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने देखा स्टेबिलिटी, सेकंड यूनिवर्सलिटी एंड थर्ड यूनिकनेस, कि जब साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उस नाम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी टाइम में चेंज नहीं होना चाहिए। उस नाम में यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होनी चाहिए। थर्ड है यूनिकनेस, कि एक ही स्पीसीज के जूलॉजी की फील्ड में एक ही स्पीसीज के एक ही नाम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के नहीं। अब बात करें हम ICZN की हिस्ट्री की। तो द स्टार्टिंग डेट ऑफ ICZN हिस्ट्री वॉज जनवरी 1, 1758 को फर्स्ट ICZN कोड लिखा गया था, और उसी दिन कार्ल लिनियस की 10th एडिशन ऑफ सिस्टम नेचर बुक भी पब्लिश हुई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ICZN कोड, इसे हम ICZN कोड भी कह सकते हैं। इसके तीन मेन पार्ट्स है, कोड प्रॉपर, एपेंडिसिस और ग्लोसरी। कोड प्रॉपर की बात करें तो कोड प्रॉपर इंक्लूड्स प्रीएम्बल, इसके अंतर्गत ICZN की जो प्रस्तावनाएं होती है वो लिखी जाती है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना होती है, ऐसे कोड प्रॉपर के अंतर्गत इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की प्रस्तावना लिखी गई है। कोड प्रॉपर के अंदर 90 आर्टिकल्स आते हैं, 90 आर्टिकल्स के बारे में इसमें बताया गया है, और अपने हर आर्टिकल का एक से ज़्यादा प्रोविजन होता है, और ये 18 चैप्टर में ग्रुप्ड है। अपेंडिसेस की बात करें तो तीन अपेंडिसेस प्रेजेंट है ICZN कोड में, दो हैं उनके पास तो है स्टेटस रिकमेंडेशन, और जो थर्ड है उसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन। थर्ड आता है हमारा ग्लॉसरी। ग्लॉसरी की बात करें तो टेक्स्ट में जो टर्म्स यूज गई है, जो वर्ड यूज किया गया है, उनको ग्लॉसरी में आगे क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो ICZN के तीन कोड के तीन मेन पार्ट है, कोड प्रॉपर, एपेंडिसेस और ग्लॉसरी। कोड प्रॉपर के अंदर ICZN की जो प्रस्तावना है वो लिखी गई है, इसमें 90 आर्टिकल्स हैं टोटल, 18 चैप्टर्स में ग्रुप्ड है, और हर आर्टिकल की एक या एक से ज़्यादा प्रोविजन्स है। अपेंडिसेस भी तीन है, दो के पास स्टेटस रिकमेंडेशन है और थर्ड के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन है। ग्लॉसरी लास्ट आता है। ग्लॉसरी जो टेक्स्ट में जो टर्म्स यूज की गई है, जो वर्ड यूज किए गए हैं, उनको आगे क्लियरली डिफाइन किया जाता है ग्लॉसरी। अब
अब बात करेंगे हम ICZN के रूल्स की, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स की, कि किसी साइंटिस्ट जब किसी ऑर्गेनिज्म को पार्टिकुलर नाम देता है या उसका नोमेनक्लेचर करता है तो उसे किस किन किन रूल्स को उसे फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट रूल आता है हमारा यूनि बाई एंड ट्राई नोमेनिज्म, यानी यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें हम यूनि की, यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल फ्रॉम सब जेनेरा और अबव इज कॉल्ड एज यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर, कि जब किसी एनिमल के साइंटिफिक नेम में उसका सब जेनेरा इंक्लूड है, जब किसी साइंटिफिक नेम में किसी एनिमल के साइंटिफिक नेम में सब जेनेरा या उससे अबव अगर इंक्लूड है तो उसे हम कहेंगे यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये रूल आर्टिकल 4.1 और 4.2 में दिया गया था। 90 आर्टिकल्स बताए थे मैंने कोड प्रॉपर के अंतर्गत, तो उसमें से जो आर्टिकल 4.1 और 4.2 है उसके अंतर्गत यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि साइंटिफिक नेम जब हम किसी एनिमल को दे रहे हैं तो उसका सब जेनेरा जब इंक्लूड होगा तो उसे हम कहेंगे यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बात करें हम सेकंड हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई यानी दो, तो इसमें कितने वर्ड इंक्लूड है, दो वर्ड इंक्लूड है। कौन कौन से, एक तो जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम, यानी कि एक उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है और उसका स्पीसीज क्या है वो हम देखेंगे। जब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों इंक्लूड हो तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी टू वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। इसे आर्टिकल 5.1 में बताया गया है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें टेनिया सोलियम, टेनिया तो क्या हो गया इसका जीनस और सोलियम इसका स्पीसीज। अब बात करें हम थर्ड ट्राइनोमियलिज्म की, यानी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में थ्री वर्ड्स इंक्लूड है, ट्राई यानी थ्री, तो थ्री वर्ड्स इंक्लूड होंगे। कौन कौन से, जीनस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, और इसे आर्टिकल 5.2 में बताया गया था। एग्जांपल हम देखें तो होमो सेफियन, सेफियन ह्यूमंस का हम देख रहे हैं एग्जांपल, होमो हो गया इसका जीनस, स्पीसीज सेपियंस और सब स्पीसीज सेपियंस, यानी होमो सेपियन सेपियंस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यूनि में हम देखेंगे सब जेनेरा या उसके अबव के बारे में, बाई में हम देखेंगे दो वर्ड जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम जैसे कि टेनिया और सोलियम का हमने देखा, और थर्ड ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो हम देखेंगे जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम जैसे कि होमो सेपियन सेपियंस। अगर अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल की बात करते हैं, फुल नोमेनक्लेचर देखते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म का, इसे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट में, लेकिन शॉर्ट में अगर हम यहाँ समझना चाहें बाइनोमियल ट्राइनोमियल और यूनिनोमियल को, तो एक ही स्पीसीज है कोई बैक्टेरोसिरा एफ्रोडकस एब्रेंस निग्रिटस हार्डी 1955, यानी कि बैक्टेरोसिरा क्या है इसका जीनस है, एफ्रोडेसिस इसका सब जीनस है, एबरेंस इसकी स्पीसीज है, निग्रिटस इसकी सब स्पीसीज है, हार्डी ऑथर का नाम है और 1995 ईयर है। ये किसी ऑर्गेनिज्म का फुल नोमेनक्लेचर है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत क्या कहा गया है इस एग्जांपल को देखते हुए, कि जब फर्स्ट वर्ड तो हो जीनस और थर्ड वर्ड हो किसी नोमेनक्लेचर का स्पीसीज, यानी कि फर्स्ट वर्ड जीनस क्या है बैक्टेरोसिरा और थर्ड वर्ड क्या है स्पीसीज एब्रेसेंस, यानी जब फर्स्ट वर्ड हो जीनस और थर्ड वर्ड हो स्पीसीज तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जबकि बीच में सब जीनस भी है लेकिन ये किस में है ब्रैकेट में, यानी कि सेकंड वर्ड इज पार्थेनेसिस, सब जीनसिस पार्थेनेसिस, पार्थेनेसिस यानी ब्रैकेट में जब हम किसी चीज़ को इंक्लूड करते लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्थेनेसिस में लिखा गया है। तो जब फर्स्ट वर्ड तो हो उसका जीनस और थर्ड वर्ड हो स्पीसीज तो उसे हम कह देंगे बाइनोमियल। और अगर बात करें हम ट्राइनोमियल की, तो फर्स्ट वर्ड हो उसका जीनस, थर्ड वर्ड हो उसका स्पीसीज और फोर्थ वर्ड हो उसका सब स्पीसीज तो उसे हम कह देंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आता है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा फुल नोमेनक्लेचर में कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं।
ICZ and rules के अकॉर्डिंग कई स्टैंडर्डाइज एंडिंग्स दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म को. जैसे कि अगर सुपर फैमिली की बात करेंगे तो OIDEA यूज करेंगे एंड में हम. फैमिली की बात करेंगे तो IDAE की बात करेंगे. सब फैमिली की बात करेंगे तो INAE. ट्राइब INE. सब ट्राइब INA. कि ये कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज एंडिंग हैं जिनके लास्ट में अगर हमें ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो फैमिली की बात कर रहा है, सब फैमिली की, ट्राइब की, सब ट्राइब की या फिर सुपर फैमिली की. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की कि द नेम ऑफ द जीनस फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. कि जीनस का जब हम नाम लिखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. और जब हम स्पीसीज की बात करेंगे द नेम ऑफ द स्पीसीज, जब हम स्पीसीज की बात करेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं टेनिया सोलियम का, तो जैसे ये तो हो गया उसका जीनस और ये स्पीसीज, तो फर्स्ट लेटर जीनस का कैसा है कैपिटल, तो ये कैपिटल हो गया. और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा है स्मॉल, तो ये स्मॉल हो गया. थर्ड रूल आता है हमारा टाइपिंग, कि अगर टाइप कर रहे हैं हम स्पीसीज का नाम तो वो टाइपिंग इटैलिक्स में की जाएगी. और अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं, हैंड से वो नाम लिख रहे हैं, तो उसे हमें प्रॉपरली सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. जैसे कि हमने टेनिया सोलियम का एग्जांपल लिया, टेनिया को जीनस को हमने अलग अंडरलाइन किया और सोलियम को हमने अलग अंडरलाइन किया. टी कैपिटल फर्स्ट लेटर जीनस का और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल. नेक्स्ट हम बात करें लैटिन लैंग्वेज की, कि ये जो स्पीसीज का नाम है ये लैटिन लैंग्वेज में दिया गया था, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में अब इसे डेड लैंग्वेज माना जाता है और प्रेजेंट टाइम में हम इसे यूज नहीं. सेकेंड रूल ऑफ ICZN इज यूजेस ऑफ पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के यूज को आर्टिकल 51.3 के अंतर्गत लिखा गया था. जैसे कि रिसेंट एग्जांपल लेके मैंने आपको पैरेंथेसिस के बारे में बताया था कि पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर लिखे जाने वाले नाम को हम कहते हैं पैरेंथेसिस. तो पैरेंथेसिस का यहाँ पे क्या यूज है, द ऑथर्स नेम इज पुट इन टू द पैरेंथेसिस. यहाँ पे जो ऑथर का नाम है या फिर हम कह सकते हैं कोई साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट जिसने किसी पार्टिकुलर स्पीसीज की डिस्कवरी की है, पार्टिकुलर स्पीसीज की खोज की है, उस साइंटिस्ट के नाम को, उस ऑथर के नाम को पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ रखा जाता है आर्टिकल 51.3 के अंतर्गत. इट इज कॉल्ड न्यू कॉम्बिनेशन. इसे हम न्यू कॉम्बिनेशन भी कह सकते. एग्जाम्पल की हम बात करें हेमिलिया बाइपर्स की, तो हेमिलिया बाइपर एक फ्रूट फ्लाई की स्पीसीज है. हेमिलिया बाइपर्स इसका पूरा नोमेनक्लेचर है, हेमिलिया बाइपर्स वॉल्कर 1862, हार्डी 1959. अब जैसे कि फर्स्ट लाइन मैंने बताई यूजर्स ऑफ पैरेंथेसिस की, कि ऑथर के या फिर साइंटिस्ट का नाम को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, तो वॉल्कर 1862 तो हमने पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया, लेकिन हार्डी 1959 को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो ये हम आगे समझेंगे. एक एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, हमने एग्जाम्पल लिया बाइपर स्पीसीज की. बाइपर किसकी स्पीसीज है, एक फ्रूट फ्लाई की स्पीसीज है. पहले वॉल्कर ने फर्स्ट बाइपर स्पीसीज को डिस्कवर किया था और उसे जीनस स्नोफिरा में रखा था. कौन से जीनस में रखा, स्नोफिरा में, लेकिन क्लासिफिकेशन में उसे सही स्थान नहीं मिल पाया. लेटर हार्डी आए, हार्डी साइंटिस्ट, उन्होंने बाइपर को हेमिलिया जीनस में रखा, वहाँ ये क्लासिफिकेशन में फिट हुआ. वॉल्कर ने सबसे पहले फ्रूट फ्लाई की बाइपर स्पीसीज को स्नोफिरा जीनस में रखा 1862 में, लेकिन क्लासिफिकेशन में वहाँ वो फिट नहीं हो पाया. फिर बाद में लेटर 1959 में हेमिलिया स्पीसीज में बाइपर को रखा हार्डी ने, वहाँ पे क्लासिफिकेशन में ये फिट हुआ. लेकिन हम क्या समझते हैं कि टैक्सोनॉमी में, नोमेनक्लेचर में हमें पता है जो ओल्डेस्ट वर्ड था उनको हम नकार नहीं सकते, ओल्डेस्ट वर्ड को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए हेमिलिया बाइपर, हेमिलिया उसने करेक्ट जीनस बताया था क्लासिफिकेशन के बाद, तो हमने हेमिलिया जीनस को प्रेफर किया. हेमिलिया बाइपर ब्रैकेट में सबसे पहले हमने वॉल्कर 1862 लिखा पैरेंथेसिस में, कि वॉल्कर 1862 में सबसे पहले फ्रूट फ्लाई की स्पीसीज वॉल्कर ने डिस्कवर की थी, इसलिए पहले वॉल्कर का नाम लिखा फिर हार्डी का नाम लिखा. तो हेमिलिया बाइपर का फुल क्लासिफ नोमेनक्लेचर है हेमिलिया बाइपर्स वॉल्कर 1862 पैरेंथेसिस में, क्योंकि सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था, हमने ओल्डेस्ट वर्क को माना, ओल्डेस्ट साइंटिस्ट को माना, फिर
राइट क्लासिफिकेशन में जब हेमिलिया जीनस में उसे रखा गया हार्डी ने, फिर हमने हार्डी का नाम वहां पे मेंशन किया, तो हेमिलिया बाइपर वॉल्कर 1862. अब दिस गिव्स द नेम ऑफ बोथ द ओरिजिनल ऑथर एज वेल एज द वन हु ट्रांसफर इट टू द करेक्ट जीनस, यानी कि पैरेंथेसिस के अंतर्गत जो दोनों नाम है साइंटिस्ट का, ओरिजिनल ऑथर का नाम जिसने उसे डिस्कवर किया और उस ऑथर का नाम जिसने उसे करेक्ट जीनस में ट्रांसफर किया, उस ऑथर का नाम भी हम मेंशन करेंगे. थर्ड रूल है यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क, यानी कि पंक्चुएशन मार्क का यूज कहाँ कर सकते हैं, कोमा का यूज हम कहाँ कर सकते हैं. इसे आर्टिकल 22A.2.1 के अंतर्गत बताया गया था कि हम पंक्चुएशन मार्क का यूज नॉमेनक्लेचर में कहाँ कर सकते हैं. सो पंक्चुएशन मार्क इज ऑलवेज यूज बिटवीन द ऑथर्स नेम एंड द ईयर, ऑथर का नाम और ईयर के बीच में हमेशा पंक्चुएशन मार्क हम यूज करेंगे. एग्जाम्पल की बात करें तो हेमिलिया बाइपर की स्पीसीज फ्रूट फ्लाई की जो हमने देखी थी, हेमिलिया बाइपर्स हार्डी कोमा 1959, ये है करेक्ट नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क. देयर शुड बी नो एनी पंक्चुएशन मार्क बिटवीन स्पीसीज नेम एंड ऑथर्स नेम, स्पीसीज के नाम के बीच में और ऑथर्स के नाम के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए. स्पीसीज के बीच में और ऑथर के नाम के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए. हेमिलिया बाइपर्स हार्डी डायरेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन ऑथर के नाम पे और ईयर के नाम के बीच में पंक्चुएशन मार्क कोमा होना कंपलसरी है. फोर्थ हम बात करें न्यूमेरिकल इन द कंपाउंड नेम, कोई भी न्यूमेरिकल मान लो 1, 2, 5, 3, 4, 6 ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल हम नोमेनक्लेचर के नाम में यूज नहीं करेंगे. द यूज ऑफ द नोमेनक्लेचर न्यूमेरिकल इज फॉरबिडन, द यूज ऑफ द न्यूमेरिकल इज फॉरबिडन, फॉरबिडन या हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड. कोई भी न्यूमेरिकल का यूज कोड में फॉरबिडन है, यस रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे हम यूज नहीं कर सकते. लेकिन कोई केस में, कोई एडजेक्टिव फॉर्मिंग एडवर्ब फॉर्मिंग में अगर हमें यूज करना भी पड़ा तो हम न्यूमेरिकल ना यूज करके फुल वर्ड हम यूज कर लेंगे. जैसे कि 1 को हम मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 5 को पेंटा, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ऑक्टा, 10 को हम डेसी बोलते हैं. ऐसे वर्ड फुल वर्ड हम यूज कर लेंगे, फिर उसे जो रिमाइंडर का नाम है, जो स्पीसीज का नाम है, उसके साथ हम यूनाइट कर देंगे. हमेशा याद रखना कि जो न्यूमेरिकल है नोमेनक्लेचर में कभी भी न्यूमेरिकल वर्ड को, न्यूमेरिकल लेटर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. हमेशा न्यूमेरिकल रेस्ट्रिक्टेड है, पर किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो हम उस न्यूमेरिकल का फुल वर्ड यूज कर सकते हैं, उन फुल वर्ड को हम स्पीसीज के नाम के साथ यूनाइट करके लिख सकते हैं. एग्जांपल की बात करें तो लिनिएटा एक स्पीसीज है, उसकी एग्जांपल की हम बात करेंगे तो हम 10 लिनिएटा नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे डेसिम लिनिएटा. अब बात करें हम यूजेस ऑफ सफिक्स ENCs और INCs. सफिक्स और प्रीफिक्स दो चीजें होती है. सफिक्स वो होता है जो एंड में लिखा जाता है, किसी स्पीसीज के नाम के एंड में लिखा होता है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फैमिली, सुपर फैमिली, ट्राइब, इनके सफिक्सेस देखे थे हमने. ऐसे सफिक्स वो होता है जो एंड में लिखा जाता है, और प्रीफिक्स वो होता है जो प्री यानी पहले यानी स्टार्टिंग में लिखा जाए. तो यहाँ पे सफिक्सेस ENCs और INSIS का कैसे यूज किया जाता है. इस सफिक्स ENCs और ENCs का यूज स्पीसीज ग्रुप नेम बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल नेम, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल नेम के हिसाब से हम सफिक्सेस का यूज करेंगे. जैसे कि हम बात करें इसकी लुधियानासिस की, ये कहाँ से, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आई है ये स्पीसीज, लुधियाना से. बेंगलोर ENISIS, ये कहाँ से आई है, बेंगलोर से. सिसिलियंसिस ये आई है सिसिली से. तो देखो सफिक्सेस का यूज किया गया है ना, लुधियाना नाम था ENSIS, सिलिसिली में INSIS. तो ऐसे सफिक्सेस का हम यूज करेंगे एंड में, और प्रीफिक्स का हम यूज करेंगे प्री यानी वर्ड के स्टार्टिंग में, और सफिक्सेस ENCs और INCs का यूज हम किसी ज्योग्राफिकल नेम के बेस पे किसी स्पीसीज का नाम दे रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो वहां हम यूज करेंगे. सिक्स्थ रूल इज द रूल ऑफ प्रायोरिटी. रूल ऑफ प्रायोरिटी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे,
When two name of a taxon belonging to the same taxon are discovered, the valid name of a taxon is the oldest. यानी कि जब दो नाम taxon के same taxon से अगर discover हो जाए, तो जो oldest name, जो पहले जो नाम discover हुआ था, उसे हम मानेंगे बजाय कि new वाले को. Old वाले taxon के नाम को हम ज़्यादा priority देंगे new के compare में. Seventh आता है kinds of names. Kinds of name में हम देखेंगे कि article 8 और 12 के बारे में, आर्टिकल 8 और 12 की जो भी रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 8 और 12 के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट है जो एक नाम में होना चाहिए, अगर वो सब उस पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर में है तो उसे वैलिड माना जाएगा, नहीं तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा. 8 और 12 के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जो भी है, अगर उस नोमेनक्लेचर में, अगर उस नाम में फुलफिल है तो उस नाम को वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा. 8th आता है हमारा टोटोनिम. टोटोनिम का मतलब होता है सेकंड और इवन थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नेम रिपीट्स द जेनेरिक नेम. हमें पता है कि बाइनोमियल, यूनिनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, हमने देखा कि जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम, सब स्पीशीज का नाम, जब सेकंड और थर्ड कंपोनेंट यानी कि स्पीशीज का नाम भी और इवन सब स्पीशीज का नाम भी सेम एज इट इज हो, जेनेरिक नेम के जैसे, सेकंड भी और थर्ड भी दोनों कंपोनेंट जब जेनेरिक नेम के हिसाब से हो, सेम हो, तो उसे कहेंगे हम टोटोनिम. एग्जांपल हम देखेंगे एपस एपस एपस. एपस जीनस था, ये एपस उसकी स्पीशीज और ये एपस उसकी सब स्पीशीज. स्नेक की बात करें तो नाजा नाजा, ये जीनस ये स्पीशीज, लेकिन दोनों कैसी है, जेनेरिक नेम के जैसे, बिल्कुल सिमिलर है, उसे हम कहेंगे टोटोनिम्स. सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम का मतलब भी होता है सिमिलर. जब टू और मोर नेम बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सोन, सेम टैक्सोन में दो या दो से ज्यादा नेम वाले प्रेजेंट हो सेम टैक्सोन में, तो उसे हम कहेंगे सिनोनिम. लेकिन इसमें भी क्या है, द ओल्डेस्ट गेट्स द प्रायोरिटी ऑफ द वैलिड नेम. जो ओल्डेस्ट है उसको प्रायोरिटी मिलती है बजाय कि न्यू टैक्सोन के नेम की. होमोनिम की बात करें तो इसमें भी सिमिलर, बट इसमें क्या है, द नेम विच आर स्पेल्ट इन आइडेंटिकल मैनर. ऐसे नाम जिनकी स्पेलिंग जब हम स्पेल करते हैं उसको, तो वो आइडेंटिकल मैनर में हो, यानी कि आइडेंटिकल स्पेलिंग हो, उसे कहेंगे हम होमोनिम्स. इसमें भी वही बात है, ओल्डेस्ट वन गेट्स द प्रायोरिटी ऑफ द वैलिड नेम. जो ओल्डेस्ट वन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है बजाय कि न्यूली. यूज ऑफ सफिक्स, सफिक्स यानी वही एंड में लिखा जाने वाला, तो यूज ऑफ सफिक्स आई, आई सफिक्स के यूज के बारे में हम यहाँ देखेंगे. आई सफिक्स का हम यूज तब करते हैं जब हम मॉडर्न पर्सनल नेम की बात करें. मॉडर्न पर्सनल नेम की जब हम बात करेंगे तो हम आई सफिक्स का यूज करेंगे. जैसे कि कोई नाम था पहले स्मिथ और लास्ट में लग गया इसमें आई, स्मी थी, यानी मॉडर्न पर्सनल नेम था कोई स्मिथ, तो हमने सफिक्स का यूज किया आई और ये बना स्मिथी. नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ द नेम इज लैटिन और लैटिनाइज्ड. अगर कोई नाम लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, या फिर लैटिनाइज्ड बेस्ड नेम है, लैटिनाइज्ड पे बेस्ड कोई नाम है, तो उसमें जो एंडिंग अस है यानी एंड में जो वर्ड अस आता है उसे आई से हम रिप्लेस कर देंगे. जैसे कि फैब्रिकस कोई एग्जांपल है, अस को रिप्लेस करके यहाँ पे आई लिखा, ये बन गया फैब्री सी. यानी कि अगर कोई नाम लैटिन है या फिर लैटिनाइज्ड बेस्ड नेम है, लैटिन भाषा पे बेस्ड कोई नेम है, तो उसके एंड में जो अस है यू एस, उसे हम रिप्लेस कर देंगे आई से, फैब्रिकस फैब्री सी.